दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेबो डॉग्स वर्ल्ड में। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 10 प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मन शेफर्ड। अगर आप एक जर्मन शेफर्ड पपी लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इन 10 प्रॉब्लम्स के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से प्रॉब्लम नंबर 7 एंड 9 काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप जर्मन शेफर्ड के 10 प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हो तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको एक जर्मन शेफर्ड पपी लेना चाहिए या फिर किसी और डॉग ब्रीड की तरफ देखना चाहिए। तो जर्मन शेफर्ड का फर्स्ट प्रॉब्लम है वेट गेन। जी हाँ दोस्तों, जर्मन शेफर्ड आपको कितने पतले दिखते हैं? आपने अक्सर जर्मन शेफर्ड पतले ही देखे होंगे, कुछ ज़्यादा ओवरवेट वाले जर्मन शेफर्ड तो आपने बहुत कम ही देखे होंगे। तो जर्मन शेफर्ड के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, इनका वेट जो है जल्दी गेन नहीं होता, ये जल्दी से मोटे नहीं हो पाते। अगर हम लैब्राडोर देखें तो वो काफ़ी जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, बट जर्मन शेफर्ड का पूरा डिफरेंट है। जर्मन शेफर्ड को वेट गेन कराने में आपको अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, उसे अच्छे अच्छे क्वालिटी का डॉग फूड देना पड़ेगा, तब जाकर आपका जर्मन शेफर्ड का वेट गेन होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम है लेग बेंडिंग। अगर आप फ्लैट में रहते हो या फिर आपके घर में जो टाइल्स है वो एकदम प्लेन है, जो कि जिसमें डॉग का पैर फिसल सकता है, तो इस कंडीशन में जर्मन शेफर्ड के साथ लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आपके घर में टाइल्स एकदम प्लेन है तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे टाइल से दूर रखो या फिर एक केज के अंदर रख पाओ। तो थर्ड प्रॉब्लम जर्मन शेफर्ड के साथ हमेशा ये होती है कि ये थोड़े से जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इनका एग्रेसिवनेस का कारण जो है पूरा ओनर पर डिपेंड होता है। आप चाहो तो एक जर्मन शेफर्ड को फ्रेंडली डॉग ब्रीड भी बना सकते हो, और आप चाहो तो जर्मन शेफर्ड को एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड भी बना सकते हो। वैसे देखा जाओ तो जर्मन शेफर्ड को गार्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जर्मन शेफर्ड का थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना तो बनता है। जर्मन शेफर्ड के साथ फोर्थ प्रॉब्लम ये होती है कि इनका काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जब ठंड से गर्मी आती है या फिर गर्मियों से ठंड आता है, तो जर्मन शेफर्ड का साल में 2 बार काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको जर्मन शेफर्ड की रेगुलरली ग्रूमिंग करनी पड़ेगी उन दिनों में, और आपको काफ़ी एक्सपेंसेस भी आएंगे जर्मन शेफर्ड के ऊपर, जैसे उनके हेयर के शैम्पूज, कंडीशनर, वो सब उनके बाल में लगाने के लिए, तो वहाँ पर आपका खर्च बढ़ जाएगा अगर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हो तो। फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है डोंट लिव अलोन। जर्मन शेफर्ड्स को अकेले रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 9 to 5 जॉब करूँगा और तब तक मेरा जर्मन शेफर्ड घर में अकेले रह लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप जर्मन शेफर्ड्स को घर में अकेला रखते हो तो अकेला रहने के कारण उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जो डॉग्स घर में अकेले रहते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप जो है उसे घर में अकेला ना छोड़े, या फिर आप उसे घर में अकेले छोड़ भी रहे हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ रहे, उसके साथ खेले। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लाना चाहते हैं तो। तो सिक्स्थ प्रॉब्लम है जर्मन शेफर्ड का स्मॉल हाउस। जर्मन शेफर्ड स्मॉल हाउस में नहीं रह सकते। अगर आप सोचते हो कि जर्मन शेफर्ड्स को हम एक छोटे से घर में रखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जर्मन शेफर्ड एक मीडियम तो लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और ये हाई एनर्जी लेवल डॉग ब्रीड है। तो अगर आप सोचोगे कि आप एक दो कमरों के घर में जर्मन शेफर्ड रखोगे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप रख भी रहे हो तो आपको सुबह शाम उसको 2 से 3 घंटा वॉक पर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक हाई एनर्जी लेवल डॉग ब्रीड है। तो आपको जर्मन शेफर्ड को रेगुलरली एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो सेवन्थ नंबर का प्रॉब्लम है स्किन इन्फेक्शन एंड ईयर इन्फेक्शन। जर्मन शेफर्ड के कान जो है खड़े होते हैं, तो इनके कानों में जो है वो जम्स वगैरह, धूल जो उड़ती है, डस्ट होता है, तो वो उनके कान में चला जाता है। अगर आप उन जर्मन शेफर्ड्स के कान मतलब एक दो दिन में आपको साफ़ करने चाहिए, या फिर हफ्ते में एक बार तो साफ़ करनी ही पड़ेगी। तो जर्मन शेफर्ड का कोट अदर डॉग ब्रीड्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। डबल कोट में भी आते हैं जर्मन शेफर्ड, और लॉन्ग कोट में भी आते हैं। तो इनके हेयर के साइज़ बड़े होने के कारण इनमें जो है स्किन इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो आपको इन्हें हफ्ते में एक बार ज़रूर से नहलाना चाहिए। आप अच्छे कंपनी का एक शैम्पू ले लीजिए, और अपने जर्मन शेफर्ड को कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से नहलाएं। 8 नंबर का प्रॉब्लम है ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि आप जर्मन शेफर्ड को एक फ्रेंडली डॉग भी बना सकते हो एंड एक डेंजरस डॉग ब्रीड भी बना सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपने डॉग को ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन कैसे करते हो। जर्मन शेफर्ड एक हाई एनर्जी लेवल डॉग ब्रीड है, तो आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, और जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है।
तो अगर आप जर्मन शेफर्ड ला रहे हो तो आपको उसे ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन एंड आपको उसे स्पेशली मैनर्स सिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आता है तो उस पर वो सीधा अटैक ना कर दे, तो आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें जर्मन शेफर्ड को सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग है और वो अपना काम तो करेगी ही। वैसे अगर आपको जर्मन शेफर्ड के प्राइजेस जानने हैं तो मैंने व्हाइट जर्मन शेफर्ड, ब्लैक जर्मन शेफर्ड एंड नॉर्मल जर्मन शेफर्ड्स, तीनों ही जर्मन शेफर्ड्स के प्राइस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप जर्मन शेफर्ड्स के इंडिया में क्या प्राइस है वो चेकआउट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसका नाम है हिप डिप्लेसिया। अगर आप एक जर्मन शेफर्ड ला रहे हो तो उसके आप पीछे के लेग्स देखोगे तो थोड़े बेंड होते हैं। आजकल तो एंगुलेशन के नाम पर ज़्यादा ही बेंड लेग्स के जर्मन शेफर्ड आ रहे हैं, तो आप ट्राई करना कि जिस जर्मन शेफर्ड पपी के लेग थोड़े से कम बेंड है, थोड़ा सा कम एंगुलेशन है, वो आप जर्मन शेफर्ड लाएं। लेकिन आप एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड ही लाना चाहते हो तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जो है हिप डिस्प्लेसिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें इनके जो पीछे के दो पैर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, एकदम पैरालिसिस की तरह हो जाते हैं। 10th नंबर का प्रॉब्लम है, जर्मन शेफर्ड्स को ज़्यादातर लीवर एंड किडनियों की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड्स को वेट गेन कराने के चक्कर में लोग जो इन्हें कच्चे एग्स खिला देते हैं, या फिर मीट, मतलब हर रोज मटन खिला रहे हैं, मीट खिला रहे हैं सुबह शाम, तो उसके कारण ज़्यादा मीट और रॉ एग्स खिलाने के कारण जो है इन्हें लीवर एंड किडनी की दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये थे जर्मन शेफर्ड के 10 प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स कोई काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर आप दिल से जर्मन शेफर्ड खरीदना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप दिल से जर्मन शेफर्ड खरीद रहे हो तो आप इन प्रॉब्लम्स को जर्मन शेफर्ड में आने ही नहीं दोगे। आप अपने जर्मन शेफर्ड्स के लिए बेस्ट ओनर बनने की ट्राई करना, तो आपके जर्मन शेफर्ड्स में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, हम 6000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।